फ्रॉम दी राम, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। आज जा रहे हम लोग तवांग, तो यहाँ से तवांग का डिस्टेंस है 136 किलोमीटर, बट इसका हाइट बहुत ज़्यादा है। हमें सैला पास तक पहुँचना है और उसका हाइट सी लेवल से 14,000 फीट पे है। रोड भी थोड़ा नैरो है जैसा हमने सुना, तो चलिए एक्सपीरियंस करते हैं कैसा होता है ये जर्नी। तो आज रास्ते पे काफ़ी ठंड लगने वाला है हमें, इसलिए इतना सब कुछ पहन लिया हमने। इसके ऊपर से राइडिंग जैकेट भी पहनेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो रास्ते पे, इसलिए हमने सब जुगाड़ कर लिया है। अब पूरा रेडी है हम निकलने के लिए। चलिए, तो जिस टारगेट को लेकर हम निकले थे वो टारगेट आज पूरा होने वाला है। आज शायद हम लोग का सबसे टफेस्ट राइड होने वाला है, क्योंकि इतना ऊपर आज तक कभी हम लोगों ने नहीं चलाया है साथ में या फिर अकेले, तो इसीलिए चैलेंजिंग भी है, एक्साइटिंग भी है और पता नहीं थ्रिलिंग भी है। तो निकला जाए? बिल्कुल। तो दिरांग को पीछे छोड़कर हम लोग धीरे अब पूरी एक्साइटमेंट के साथ और जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं अभी सैला पास की तरफ। और अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे दिखा रहा है, तो लेट्स सी हम लोग कितने टाइम में पहुँचते हैं। बट जैसा गूगल मैप्स में दिखा रहा है बहुत सारे बेंड्स एंड टर्न्स हैं, तो देखते हैं, मज़ा तो बहुत आने वाला है और जैसा जैसा होगा आपको भी दिखाते रहेंगे। जगह है तो वो क्रॉस कर लिए है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है तवा सैला पास। तो सैला पास यहाँ से अभी और 15 किलोमीटर है, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पर रुके हैं कुछ खाने के लिए, कि हम सोचते रहे कि आगे कोई दुकान मिलेगा पर मिला नहीं। कुछ आर्मी कैंटीन्स थे तो वहाँ पर हम नहीं रुके, सोचा आगे मिल जाएगा कोई दुकान, तो नहीं मिला। तो अभी हम बिस्किट खा रहे हैं, तो ये है बिस्किट, तो ये हम खाते हैं क्योंकि खाना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ठंड ज़्यादा लगता है, इसलिए हम खा लेते हैं। फिर आगे अगर दुकान मिलेगा तो वहाँ पर भी खा लेंगे। एक चीज़ भी है, खाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है, अगर आप खाना नहीं खाओगे पेट नहीं भरा रहेगा तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, जैसे सर दर्द करेगा या फिर उस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए बेटर कि मतलब कुछ ना कुछ खाते रहो, खाना और पानी एकदम टाइट रखना है खुद को। तो अभी खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। कितना बज रहा है अभी? कितना टाइम हो रहा है अभी? हो रहा है बहुत ठंड है, बहुत ठंड। हमने कितना कुछ पहना है आपको अंदाज़ा भी नहीं है, हम कितना कुछ पहना है हमने, पर फिर भी ठंड लग रहा है हमें। 8:15 और अभी 8:15 हो रहा है, तो 9:30-10 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे सैला ना। अगर खाना पीना किया, वीडियो फोटो वोटो खींचा, तो सब कुछ मिलाकर 10:30 तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ का सीनरी, यहाँ का व्यू जस्ट ऑसम है, ऑसम, जन्नत है जन्नत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और थोड़ी दूर आने के बाद हमें एक दुकान मिला, तो चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। ओ, बुखारी भी है, वाओ, अब तो मज़ा आ गया। तो यहाँ पर चाय और मैगी देखते हैं, चलिए पहले बैठ जाते हैं। तो ये देखिए, इस ड्रम पे पानी रखा हुआ है और ऊपर से पूरा आइस हो गया है, इतनी ठंड है। तो अभी गर्म हो लेते हैं पहले, और मैगी और चाय भी आ चुका है, गर्मा गर्म मैगी।
तो खाना वाना कंप्लीट करने के बाद हम फिर से निकल पड़े हैं और अभी आगे का व्यू देखिए कितना सुंदर हो रहा है। जितना ऊपर जाएंगे उतना और भी ज़्यादा सुंदर होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और व्यू को एंजॉय करते हैं। फाइनली हमने कर लिया। तो हम हैं अभी सेला पास पे और ये है 13,700 फीट फ्रॉम सी लेवल। तो अभी तक का हम लोग के लिए हाईएस्ट सेला पास, फर्स्ट हाईएस्ट अब तक का, और हम लोग तीनों के वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। इनमें हाँ। से अगर एक भी कम रहता तो शायद इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। So thanks to, I thank to both of you, you and you. You both have made. Like, हम तीनों ने. और अभी तक ये हमें कुछ भी प्रॉब्लम में नहीं फंसाया। तो ये अगर कुछ भी प्रॉब्लम करता तो हम फंस जाते, कहीं पर भी फंस सकते थे। पता नहीं ये सुन रहा है कि नहीं, महसूस कर पा रहा है कि नहीं। But we love you. We love you. And thank you very much. तो ये हमारा पहला अचीवमेंट है। से पानी निकल गया आंखों से। इमोशन हो रहा है क्योंकि ये हमारा पहला अचीवमेंट है और ये अकेले के दम पे ही इसने किया। नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं नहीं। अगर थोड़ा भी हेल्प कर पाती तो खुद को बहुत मतलब प्राउड फील करती। इसने इसने राइड के लिए और राइड के दौरान जितना मेंटली सपोर्ट किया, मतलब I'm very lucky to have a life partner like her. Thank you. शायद I don't know कितनों को इतना अच्छा life partner मिलता है, but I'm very lucky. Me too. तो अभी हम जा रहे हैं सेला लेक के पास, यहाँ पर उतरेंगे। अभी सेला लेक के पास तक जाएंगे। अभी हम वो सीढ़ी है, सीढ़ी से उतर के नीचे जाने वाले हैं। चलिए जाते हैं। और यहाँ जो ठंड है, काफी ठंड है, तो हमें धीरे धीरे उतरना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ऑक्सीजन का कमती भी हो सकता है यहाँ पर। इसलिए
चलिए सावधानी से जो करना है। और नजारा देखिए, ये तो जस्ट ऑसम, ऐसा नजारा मैंने पहले और दूसरी जगह पर नहीं देखा। तुमने देखा? अगर कहीं जन्नत है तो यही है। यही है। क्या है ये जन्नत? ये अलग दुनिया है। ये अलग दुनिया है और हम इसमें जी रहे हैं। बादल कैसे आ रहा है यहाँ पर, इतना सुंदर लग रहा है। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। कैमरे में दिखाई दे रहा है कितना सुंदर लग रहा है। बादल पूरा नीचे आ रहा है और इस तरफ देखिए ब्लू स्काई, अलग दुनिया। ये तो ये टाइम बेस्ट है यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि अभी सनराइज़ थोड़ी देर पहले सनराइज़ हुआ और अभी कुछ देर तक ऐसा रहेगा वेदर। अभी हवा भी नहीं चल रहा है, तो हवा चलेगा ना तो ऑक्सीजन का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये 12 बजे तक पूरा अलग अलग एनवायरनमेंट हो जाएगा। तब हम लोग का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, पता नहीं कितनों का ऐसा फेस हुआ है, बट हम लोगों ने ऐसा देखा है कि मोटा मोटी 12 बजे तक आपको ऐसे सनलाइट, क्लियर वेदर फिर भी दिखेगा, लेकिन जैसे ही 12 क्रॉस किया ज़ोरों की हवा चलने लगेंगी सबसे पहले तो ये बात, और पूरा मौसम क्लाउडी हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि अभी बस एक घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा। तो अगर कोई यहाँ पे आना चाह रहा है, इट्स बेटर जितना मॉर्निंग हो सके यहाँ पे पहुँचे, मिनिमम 9-10 बजे तक बेस्ट टाइम। 9-10 बजे से पहले अगर आप आए तो बेस्ट है। 9-10 बजे तक पहुँचने से ठीक है, क्योंकि इसके आगे अगर जाना पड़ेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और नहीं होता वैसा तो 12 बजे के पहले तो डेफिनेटली ट्राई करो, क्योंकि एक बार 12 बज गया तो फिर आपका भी 12 बज जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और ये देखिए, ये है आई फ्रॉस्ट, जो है ये आइस पूरा जमा हुआ है। तो कुछ कुछ जगह पे ऐसा हुआ है, वहाँ पे भी है। बहुत ठंड है ना वहाँ पर, आप लोगों को दिख रहा होगा, पता नहीं कई कई जगह पर है। हाँ, तो कुछ देर बाद फिर से हो जाएगा ऐसा। अभी थोड़ा सनराइज हुआ है ना थोड़ी देर पहले, तो अभी कुछ देर तक ठीक रहेगा। तो चलिए अभी ऊपर जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से तवांग भी 2 घंटा लगेगा ना। दो घंटे से ज्यादा ही लगेगा यहाँ से तवांग। 82 किलोमीटर और फॉगी भी हो रहा है, तो थोड़ा धीरे ही चलाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे जाएंगे। और वो ये था, तो यहाँ हम लोग पहुँच गए। तो इसका वेदर चेंज होता रहता है, तो लकीली हम लोगों को काफी काफी वाइब्रेंट वेदर मिला। तो अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आगे जाने में, धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। तो चलिए अभी ऊपर जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, और अगर बीच में कहीं पर चाय मिला तो वो भी पी लेंगे। तो चलिए ऊपर जाते हैं, फिर मिलते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हम सेकेंड पार्ट ला रहे हैं इसका, जो कि तवांग तक होगा और रास्ते में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।